इंदौर के राजवाड़ा के समीप यशोदा माता मंदिर पर मान्यताओं को लेकर गोद भराई की रस्म महिलाओं ने निभाई है। मंदिर प्रमुख ने पूरी जानकारी साझा की। जन्माष्टमी पर्व के साथ ही विश्व प्रसिद्ध यशोदा माता मंदिर पर माता यशोदा की प्रतिमा है, जहां गोद में भगवान श्री कृष्ण को लेकर माता की गोद भराई लगातार हो रही है। मंदिर प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पर्व करीब 8 से 10 दिनों तक मनाया जाता है। करीब 230 साल पुराना यह मंदिर पूरे विश्व में एकमात्र यशोदा माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ यशोदा माता की गोद भराई करने से और मन्नत मांगने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर यशोदा माता मंदिर राजवाड़ा पे जो स्थित है, यहाँ पर यशोदा माता का मंदिर है। यहाँ राधा रुक्मणी की मूर्ति है और ये 230 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर ये मान्यता जिन महिलाओं के निसंतान रहती हैं उनको यहाँ मान्यता लेते हैं तो उनकी मान्यता पूरी होती है और अवश्य उनके यहाँ संतान उत्पन्न होती है, फिर वो अपनी मान्यताएँ पूरी करते हैं यहाँ के। ये 8 से 10 दिन तक ही उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। वो काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु भक्त आते हैं, प्रसाद वितरण रात में। ऐसा कहा जाता है कि विदेशों से भी लोग आते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसका इतना ज़्यादा प्रचार है, बाहर से भी कई लोग आते हैं और बहुत भीड़ लगती है। आप सुबह से देख ही रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। जन्म उत्सव 12 बजे रात को आगमन। जी, 12 बजे रात को आरती होती है। एक ही मंदिर है जहाँ पूरा परिवार। जी, यहाँ पर पूरा परिवार यशोदा माता गोद में कृष्ण भगवान को लिए हुए है और राधा रुक्मणी की मूर्ति भी साथ में यहाँ पे। ये बहुत पुराना मंदिर है और कहीं पे भी भारत भी है। जी, नंद बाबा भी है। भारत में यशोदा माता का एकमात्र मंदिर है ये, जहाँ पर सभी पूरा परिवार कृष्ण भगवान का है। ठीक है, अपना नाम बताइए। रेखा पंचोली।